अभी हम लोग अनबॉक्सिंग करते हैं जीबॉन कंपनी का नियॉन करके जो माउस है उनका, उसका अनबॉक्सिंग करते हैं, जिसका 7D मल्टी कलर गेमिंग माउस है ये, ठीक है। और हम लोग देखते हैं ये खोल के क्या है उसमें। ये सब विंडोज़ के लिए कंपेटेबल है, 6 बटन्स है उसमें, ठीक है। और ये क्लॉ क्लॉ और पाम पाम ग्रिप के लिए, ठीक है। मतलब ये गेमिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और आप नॉर्मल यूज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैं खोल रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे माउस है, काफ़ी बड़ा लग रहा है और साइज़ में बड़ा लग रहा है। विथ 6 रिस्पॉन्सिव बटन आप यहाँ पे देख सकते हैं, विथ 6 रिस्पॉन्सिव बटन्स, रबर कोटिंग, रबर जो मतलब आपका हाथ फिसलता नहीं है माउस के ऊपर से। और देखते हैं कैसा गेमिंग प्लेजर है उसमें। और स्टनिंग मल्टी कलर ग्लो, जो मैंने स्टार्टिंग में ही आप कलर का जो देख रहे थे एक शॉर्ट वीडियोस, तो उसका निकाला हुआ है। और ठीक है, उसका DPI आप चेंज कर सकते हैं। DPI चेंज करने का मतलब ये होता है कि आप DPI जो बदलते हैं उससे जो रिस्पॉन्स है वो फास्ट हो जाता है, माउस का जो डिस्प्लेसमेंट है, जो मूवमेंट है वो फास्ट हो जाती है, वो डिपेंड अपॉन द DPI, ठीक है। ये खोल रहा हूँ मैं, कनेक्टर का ये तो थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है माउस के जैसे, इसके जैसा। ओ या अच्छा, उसमें यूज़ करने का मैनुअल वगैरह तो मुझे दिखा नहीं है कुछ, लेट मी चेक, उसमें मुझे तो कुछ दिखा नहीं है, ठीक है। ये तो एक कवर था और कुछ नहीं दिखा है, तो लगता है नॉर्मल यूज़ जैसा रहेगा, ठीक है, वैसा ही रहेगा। और उसमें गेमिंग का एडिशन दिया हुआ है, इसका जो केबल है तो अच्छा खासा लग रहा है मुझे, ये लगता नहीं बीच में कुछ टूटेगा या कुछ नॉट वगैरह रहती है लाइक, वैसा कुछ रहेगा आप देख सकते हैं, ठीक है। आई थिंक दिस इज़ गुड, तो ये अटकेगा नहीं है, आपको जो रहता है ना नॉट वगैरह लगती है वो होगी नहीं। इसमें एक स्पेशल ये एक दिया हुआ है जो कि स्पाइक्स वगैरह आते हैं, इलेक्ट्रिकल स्पाइक्स, उसको रिमूव करते हैं, वो एक अच्छी चीज़ है। और ये गेमिंग के लिए एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग USB कनेक्टर है, थोड़ा लग रहा है उससे कि ये गेमिंग माउस है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये रख रहा हूँ मैं बाजू में, माउस को तो कच्चा खासा थोड़ा बड़ा दिख रहा है, और मेरे पूरे पंजे में आप देख सकते हैं पूरे पंजे में वो दिख रहा है ये। और मुझे तो थोड़ा कंफर्टेबल लग ही रहा है, मैं जो कि गेमिंग वगैरह उतना करता नहीं हूँ, तो जो गेमिंग करते हैं उनको पूछते हैं कि एक्चुअली वो उनको कैसा लगता है, ठीक है। आप ये देख सकते हैं बटन्स देख सकते हैं, ये भी बटन है जो टर्बो फायर के लिए है, ठीक है। ये DPI चेंज करने के लिए आप ये स्क्रॉल कर सकते हैं, राइट एंड लेफ्ट जो बटन्स रहते हैं नॉर्मली, वो तो है ही। और ये जो यहाँ पे लाइट्स ग्लो करते हैं, ठीक है, तो भी जो लाइट्स हैं वो ग्लो करते हैं, जैसे चालू हो जाएगा वो आपको दिखेगा। और जो यूज़ करते हैं, मैंने अभी बोला कि जो गेमिंग करते हैं, जिनको गेमिंग का मालूम है, तो आपको बताएंगे आगे का, ठीक है, थैंक यू। तो अब हम माउस बात करते हैं इस माउस के बटन्स की। तो यहाँ पर दो बटन है, एक राइट क्लिक और एक लेफ्ट क्लिक, ये स्क्रॉल बटन है, ये DPI चेंजिंग बटन, ये फॉरवर्ड और एक्सलरेट और रिवर्स के लिए बटन है, ये दोनों बटन एक्सलरेट और रिवर्स के लिए। और ये बटन जो टर्बो फायर के लिए यानी कि बर्स्ट फायर के लिए है, ये लेफ्ट क्लिक है, और ये जो है राइट क्लिक है, ये DPI चेंजिंग बटन है। और इस माउस में 4 DPI सपोर्ट करते हैं, 800, 1600, 2400, 3200 DPI। तो ये DPI की वजह से आपका माउस का जो है सेंसिटिविटी वो एडजस्ट हो जाए, स्मूथनेस आपके माउस की बढ़ जाती है DPI में। अब मैं आपको सेटिंग बताता हूँ कि वो बटन को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने सेटिंग कर ली है, और अब मैं आपको इस बटन्स को यूज़ करके दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पर कार ले लेता हूँ पहले तो, और अब मैं कार को जो है एरो की से यूज़ कर ड्राइव कर रहा हूँ, और अभी मैं जो है माउस के बटन से सिर्फ यूज़ करूँगा। तो आप देख सकते हैं अभी जो माउस के बटन के जो एक्सेलेटर है, जो फॉरवर्ड बटन है, मैं उससे यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ उसी से मैं कार को एक्सेलरेट कर रहा हूँ। और अब मैं जो आपको कार रिवर्स करके भी दिखाऊंगा, तो ये मैं कार रिवर्स कर रहा हूँ, सिर्फ माउस बटन से ही मैं रिवर्स कर रहा हूँ, मैंने कीबोर्ड नहीं यूज़ किया अब तक। तो यही इन बटन्स के फंक्शन हैं, इससे आप एक्सेलरेट और डिसेलरेट कर सकते हैं, यानी कि रिवर्स कर सकते हैं। और अब मैं आपको टर्बो फायर वाला जो बटन है उसका यूज़ करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर मैं गाड़ी कोई भी गन ले लेता हूँ कोई, तो ये स्नाइपर है, मैं इसको खोली जूम इन कर रहा हूँ, और यहाँ मैं एक शॉट लेता हूँ। ये शॉट जो है मैंने लेफ़्ट क्लिक से नॉर्मल फायर बटन से जो है ये शॉट लिया है। अब मैं आपको एक M4 यूज़ करके दिखाता हूँ, ये मैंने सादे बटन से यूज़ किया, और ये यहाँ पर मैं M4 ले लेता हूँ। और टर्बो फायर जब मैं बटन दबाता हूँ तो सिर्फ तीन तीन गोलियाँ निकलती है, बर्स्ट पर गोलियाँ निकलती है। तो जो गन्स है जो बर्स्ट पे वर्क करती है, उसके लिए ये बटन बहुत ही यूज़फुल है, और उससे जो आपकी बर्स्ट की एक्यूरेसी भी जो है इंक्रीज़ हो जाती है, इसीलिए यह बटन बहुत यूज़फुल है गेमर्स के लिए। और ये माउस मेरे हिसाब से मुझे बहुत कंफर्टेबल लगता है, इसमें कुछ और फंक्शंस हैं जिसके इस्तेमाल करके आप अपना गेम प्ले इम्प्रूव कर सकते हैं। इससे आप अपने माउस की सेंसिटिविटी बढ़ा सकते हैं, जिससे आप स्कोप हैंडल कर सकते हैं, अपने पर्सन जो अपना गेम का कैरेक्टर है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं।